हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनोखी रेसिपी जो कि विलेज स्टाइल बनती है। हमारे गांव में ये बहुत खाई जाती है। जब भी हम खेतों में जाते हैं या वाड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे ये ज़रूर बनाते हैं। तो ये रेसिपी हम बनाएंगे शापू से, जिसे हम सोया भी कहते हैं। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और फटाफट से बनने वाली है। चलो तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जैसे गांव में खाना बनता है ना मिट्टी के बर्तन में, आज भी मैं इसे मिट्टी के बर्तन में बनाने वाली हूँ ताकि वो विलेज वाले फीलिंग आ सके। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 गड्डी शापू, जिसे हम सोया भी कहते हैं, जिसे मैं अच्छी तरह साफ़ करके धो लूँगी। वैसे तो शापू की भाजी बहुत सारी तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं एकदम पारंपरिक विलेज स्टाइल से बना रही हूँ। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने शापू को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और अभी मैं इसे धोने जा रही हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पे शापू अच्छी तरह धुल गई है, इसे मैं रख देती हूँ साइड में और यहाँ पे बढ़ती हूँ आगे की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ सामग्री ली है। इसमें मैं ले रही हूँ 2-3 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी कच्चा सिंगदाना ले रही हूँ, 4-5 कलियाँ लहसुन की और 1 चम्मच जीरा। चले तो चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले मैं मूँगफली को 1-2 मिनट गैस पर भून लूँगी स्लो फ्लेम पर। दोस्तों, ये रेसिपी इतनी आसान है कि फटाफट बनने वाली है और खाने में भी उतनी स्वादिष्ट लग रही है। यहाँ पे मैं मूंगफली को 1-2 मिनट अच्छी तरह स्लो गैस पे भून लूँगी, पर इतना ध्यान रहे कि ये जलने नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ये मूंगफली अच्छे से भून गई है, इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। आज मैं हमारे गाँव की एकदम ऑथेंटिक रेसिपी बना रही हूँ और इसी में मेरा साथ दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं जो आप पीछे आवाज़ सुन सकते हैं और मुझे एकदम आज गांव वाली फीलिंग आ रही है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है जिसमें हम ये सारी सामग्री डाल देंगे और इसे थोड़ा सा पानी में हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे पीस लिया है, इतना महीन पीसा है, आप देख सकते हो। अभी इसे मैं रख देती हूँ साइड में और फटाफट से ले लेती हूँ शापू। ये अच्छी तरह सूख गई है और इसे मैं एकदम बारीक बारीक काट लूँगी। और अभी हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगी है तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है विंटर सीज़न के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने शापू को अच्छी तरह काट लिया है, रख देती हूँ साइड में और फटाफट से ले लूँगी यहाँ पे हमाम दस्ता, जिसमें मैं 4-5 कलियाँ लहसुन की अच्छे से कूट लूँगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको लहसुन को कूटना है, नाइफ से काटना नहीं है। जो कूटने से इसका स्वाद आता है ना, मतलब पूरा इसका जूस जो कूटने से ही बाहर आता है, वो काटने से नहीं आता, तो आप इसे कूट कर ही डालें। अब यहाँ मैंने फटाफट से गैस ऑन कर लिया और इसके मैं रख दे रही हूँ मिट्टी का बर्तन और डाल दूंगी थोड़ा सा तेल। अब इसे कूटा हुआ लहसुन है ना, इसमें हम डाल देंगे। अब लहसुन को हम 1-2 मिनट तक भून लेंगे, जहाँ तक कि इसमें एक हल्का सा सुनहरा रंग आना चाहिए, लेकिन जलना नहीं चाहिए। इस रेसिपी में इस लहसुन के तड़के की खास अहमियत है फ्रेंड्स, तो इस तड़के को आप अच्छी तरह लाइट गोल्डन होने तक भून लें। यहाँ पर एक बात कहना और चाहूँगी कि इस मिट्टी के बर्तन में आप देखिए कि आप लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करें। अब ये लहसुन अच्छे से भून चुका है और इसकी एकदम खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। बढ़ते हैं आगे और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये पेस्ट डालने के बाद में हम इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ये वही पानी है मिक्सर ग्राइंडर का, इसमें मैं मिक्स कर ले रही हूँ और इसे हम ढक के हम पकने रख लेंगे। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, आइए तो चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस स्टेज पे हम अभी ऐड करेंगे कटा हुआ सोया यानी कि शापू। दोस्तों, आप इस तरह से शापू की भाजी बनाएंगे ना तो आप खाते रह जाएंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर स्टार्ट से एंड तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपसे कुछ इन्ग्रीडियंट मिस हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बाजरी का आटा। बाजरी का आटा आपको तो पता है कितना हेल्दी होता है, और ठंड के मौसम में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। मिक्स करते रहेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। पानी डालने के बाद में मैं इसे ढक के पकाने के लिए रख देती हूँ। बीच बीच में आपको इसे चेक करते रहना है, नहीं तो क्या है ना, इसमें जो आटा डाला है वो नीचे चिपकने का डर रहता है। तो आपको हर 2 मिनट में इसे ऐसे मिक्स करते रहना है। और जब तक कि हमारी ये भाजी रेडी हो रही है, साइड में रेडी कर लेते हैं इसके साथ खाने वाली भाकरी, जो कि मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे के आटे से। अब फटाफट से मैंने यहाँ पे ले लिया एक परात, जिसमें मैं डाल दे रही हूँ बाजरे का आटा, ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा नमक, और इसे मैं गूंद लूँगी गुनगुने पानी से। अच्छी तरह से इसे गूंद लूँगी मैं मसल मसल के, ताकि हमारी जो भाकरी है ना वो एकदम सॉफ्ट और फुली फुली बने। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो शापू की भाजी बन रही है ना, इसके साथ ये भाकरी एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये रेसिपी में भाकरी ही बनाएं। और वैसे भी ठंड के मौसम में ये गरम गरम भाकरी खाने का जो मज़ा है ना फ्रेंड्स, वो रोटी से नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इस आटे को गूंद लिया है, और चलते हैं गैस की तरफ और बनाऊँगी गर्मा गर्म भाकरी। अब यहाँ मैंने भाकरी बनाने के लिए लोहे का तवा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि भाकरी लोहे के तवे पे ही बनती है। आप नॉनस्टिक पे इसे बनाने जाओगे तो ये नहीं बनेगी। साइड में मैं चेक कर ली हूँ हमारी भाजी रेडी हुई है या नहीं। जी हाँ, हो गई है। एक थोड़ी सी कसर बाकी है, तो 1-2 मिनट इसे मैं और चला लूँगी। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी एकदम ऑथेंटिक पारंपरिक गाँव की स्टाइल की शापू की भाजी रेडी है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ और बनाती हूँ फटाफट भाकरी, क्योंकि अभी इस खुशबू से मुझे रहा नहीं जा रहा और मैं इसे फटाफट से खाने वाली हूँ। अब इस आटे से मैं अपने हिसाब से पेड़े बना ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे महाराष्ट्र में भाकरी हाथ से थाप के बनाई जाती है, लेकिन अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे तो आप इसे क्या बोलते हैं, रोलिंग बोर्ड पे इसे रोल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे हाथ से ही थापूंगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि हाथ से भाकरी थाप के कैसे बनाई जाती है। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये सूखा बाजरे का आटा, जिसे मैं प्लेट में डाल दूंगी पहले, जिससे कि ये हमारा आटा जो है नीचे चिपके नहीं। देखिए, इस तरह से आपको हाथों की मदद से, या फिर कहें कि उंगलियों की मदद से, आपको इसे थापना है इस तरह से। पहले तो हम इसके किनारे थाप लेंगे, और फिर इसे बीच से होते हुए हम आखिर तक ऐसे थापेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पहले किनारों को थाप रही हूँ, नहीं तो क्या होता है कि बीच से तो पतली हो जाती है, लेकिन इसे किनारे हैं ना वो मोटे रह जाते हैं और जो सिकते नहीं हैं। तो यहाँ पर मेरी भाकरी थाप की रेडी हो चुकी है, और इसे मैं फटाफट से डाल रही हूँ लोहे के तवे पे। और इस स्टेज पे आपको तुरंत ही ऐड कर देना है पानी, और हाथ से इसको पूरे भाकरी पे ऐसे फैला देना है। आपको सिर्फ पानी का छींटा देना है। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को, ये पानी सूखना नहीं चाहिए। पानी सूखने से पहले आप इसे पलटा लें, देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आपको ये भाकरी के ऊपर का जो पानी है ना, उसे सूखने नहीं देना है। बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये थ्रू आउट प्रोसेस में भाकरी को बनाने के लिए आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है, और इसे आपको बार बार उल्टा पलटा नहीं करना है। एक साइड अच्छे से सेक जाए तभी आपको दूसरी तरफ इसे पलटना है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म बाजरे की भाकरी भी रेडी है। चलो तो एंजॉय करते हैं इसे शापू की भाजी के साथ। अब इस पारंपरिक रेसिपी को एंजॉय करने के लिए इसे हम एकदम गाउटी स्टाइल में खाएंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक प्याज, जिसे हम छुरी से नहीं काटेंगे, इसे एक मुक्का मार के तोड़ेंगे। जैसे गांव में होता है ना कि अपने दादा दादी कैसे एक रोटी ले लेते थे, प्याज ले लेते, एक मुक्का मार के उसके साथ चटनी खाते थे, सेम उसी तरह। दोस्तों अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब मैं इसे टेस्ट करने जा रही हूँ। तो फटाफट से मैं थाली ले रही हूँ, जिसमें रख दे रही हूँ प्याज, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और गांव की स्टाइल में बनी हुई शापू की भाजी। और इस डिश का फ्लेवर और एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और एन्जॉय कीजिए इस ठंड के मौसम में, और हेल्दी रहिए। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ऑथेंटिक थाली एकदम रेडी है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।